हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता पूरी कुकिंग एट होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों के पतोड़। इसे हम अरबी के पकोड़े या फिर पात्रा भी कहते हैं। इसे उड़द की दाल में या चने की दाल से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 10 पत्ते लिए हैं अरबी के, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी बैक से हम इस तरह से इसकी स्टेम जो है वो निकाल देंगे। ये थोड़ी हार्ड होती है, इसे ज़रूर निकालें। देखिए इस तरह से हमने स्टेम को अच्छे से रिमूव कर दिया है। मैंने इसी तरह से सभी लीव्स की स्टेम्स को रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। एक बड़ा बाउल लें, उसमें ऐड करें 2.5 कप बेसन। बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा, ये मैंने अदरक और हरी मिर्च ली है 3 चम्मच, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने हींग ली है, 2 पिंच के करीब हींग को भिगो कर मैंने रखा था, वो इसमें अभी ऐड की है। हींग को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी में भिगो कर डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आता है। अब हम इसमें ऐड करें हैं 3 टेबलस्पून ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, धीरे धीरे पानी ऐड करें क्योंकि हमने थिक बैटर बनाना है। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ये देखिए इस तरह से थिक बैटर होना चाहिए। मैंने इस बैटर को बनाने के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। 1/2 कप पानी जो लिया था उसमें से ये थोड़ा सा पानी बच गया है, आप अपने हिसाब से डालें और इस बैटर को सेम इसी तरह का रखें। ये मीडियम साइज़ के 10 पत्ते हैं, मैं अभी 5 पत्तों की लेयर ले रही हूँ। अगर आपके पत्ते बड़े हों ज़्यादा तो आप 3 भी ले सकते हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं इसलिए मैं 5 ले रही हूँ। जो सबसे बड़ा पत्ता है उसे हम नीचे रखेंगे। इसके ऊपर अब हम बेसन की लेयर लगा देंगे। पतली या मोटी लेयर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटी लगाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। अगर आपका गलती से पत्ता टूट भी जाए तो टेंशन ना लें, अभी इसके ऊपर हम और लेयर्स लगाएंगे तब ये स्टिक हो जाएगा। ये प्रोसेस करने से पहले सरफेस को अच्छे से क्लीन कर दें, उसके बाद ये काम करें। हमने जो लीव ली है उसका सीधा साइड रखा है, जिस साइड से हमने स्टेम को काटा था वो साइड डाउन करें और दूसरी साइड अप करें, वहाँ पर हमने बेसन लगाना है। इसी तरह से 1 बाय 1 सभी लीव्स में अच्छे से बेसन लगा दिया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से बेसन लगाते जाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने अच्छे से बेसन लगा दिया है। इसी तरह से मैंने दोनों पत्ते रेडी कर दिए हैं, अब हम इन्हें स्टीम में पका लेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे या बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें या नीचे सेंटर में कोई भी कटोरी या फिर कोई भी बर्तन रख दें या स्टैंड भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी जालीदार प्लेट रख लें, मैंने भी यहाँ रखी है, और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दें और ढक लें और इसमें एक उबाल आने दें। एक बात ध्यान में रखें, जो हमने इसके ऊपर प्लेट रखी है उसका डिस्टेंस थोड़ा हाई होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए नहीं तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें पतोड़ को रख देंगे और ढककर 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से स्टीम में पका लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं इस तरह से टूथपिक डाल के। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, हमारे पत्ते अच्छे से पक चुके हैं। अगर क्लीन ना आए तो इसे कुछ देर और पका लें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा, इसलिए इन्हें मैं शैलो फ्राई भी करूँगी। शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लें, इसमें एक एक करके सभी पीसेस को डाल दें और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। आप इन्हें ब्रेकफास्ट, स्नैक्स या फिर लंच, डिनर किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं, ब्रेड, चपाती या चटनी के साथ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।